सुबे के मोहल्ला परिजात गान व किला बाजार के बॉर्डर पर स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध पुराना टीला है। कॉलेज के स्थानांतरण के बाद यहां पर कुछ वर्षों तक खाली पड़े रहने के बाद जमीनी विवाद शुरू हो गया। वर्तमान समय में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बाबर सपनी व हसनैन बकाई के बीच इसी जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट कचहरी होने लगी, जो प्रशासन तक पहुँच गयी। बाबर सपनी का कहना है कि भूमि नंबर 169D पर सुन्नी वक्फ बोर्ड से स्टे है व इसी को लेकर दीवानी में मुकदमा विचाराधीन है। पुलिस प्रशासन ने इन आदेशों की अवहेलना करके बाउंड्री वॉल बनवाने में उस पक्षी मदद में लगी रही। वहीं दूसरे पक्ष के हसनैन बकाई ने बताया कि जिस स्थान पर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है वह 3481 है, जिस पर कोई भी कोर्ट का आदेश या मुकदमा विचाराधीन नहीं है, केवल बेवजह काम में बाधा डाली जा रही है। खास बात यह देखने में आई कि गाटा संख्या दोनों तरफ से दर्शाई गई, मगर सरकारी नक्शा न होने के कारण यह विवाद और गहरा हो। सफीपुर किला बाजार में भूमि विवाद को लेकर हुआ दो पक्षों में बवाल। प्रशासन ने मांगे दोनों पक्षों के कागजात। एक पक्ष ने दिखाया वक्फ बोर्ड का स्टे और दूसरे पक्ष ने दिखाया पुश्तैनी कागजात, जहां विवादित स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात। सफीपुर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन उत्तरी व सुन्नी वक्फ बोर्ड में नगर के दो प्रतिष्ठित पक्षों में एक जमीनी मामले को लेकर मुकदमा चल रहा है, जिसको लेकर दोनों के बीच काफी दिनों से तनाव चल रहा था, जो प्रशासन के भी संज्ञान में था। आज उस समय एक नया मोड़ आया। पुलिस के सामने एक पक्ष उस प्लॉट पर बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, जिससे दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कार्य को बंद कराया और दोनों पक्षों को उप जिला अधिकारी के समक्ष दस्तावेज पेश करने को कहा। माहौल को देखते हुए कई थानों का पुलिस बल बुलाकर छावनी बना दिया, कोई भी अप्रिय घटना न हो, जिसके लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। एक पाखंडी और 420 किस्म का इंसान है, जिसके बारे में पूरा सफीपुर और जिला जानता है, अपनी बताकर अवैध कब्जा करना चाहता है। लेकिन जब उससे जिलाधिकारी महोदय या उप जिलाधिकारी महोदय पूछते हैं तो वो कहता है कि इस जमीन के ओनर हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्टे हमारे पास है। दूसरी चीज ये कि जबकि हमारे कागजात मुकम्मल हैं, जिलाधिकारी उन्नाव एवं उप जिलाधिकारी सफीपुर ने पुलिस बल द्वारा निर्माण कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि आज से 7 दिन पहले जब उक्त अराजी पर हम लोगों ने निर्माण शुरू कराया था, तो एक फर्जी जमीन के हम लोग एराजी 3481 पर निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने 169 नाम का एक फर्जी स्टेम्प निकलवाया और निकलवाने के बाद किसी की 420 से मुंसलिक इन लोगों ने कोई काम धाम किया और उसके बाद इन्होंने ये स्टे एक जमीन का लेकर आए। उस पर भी कोई चौहद्दी का निर्माण चौहद्दी की मतलब निशानदेही नहीं थी जिस पर वो स्टे लेकर आते, वो भी स्टे इनका वैकेट हो चुका है क्योंकि वो 2018 का स्टे है और 2020 चल रहा है फिलहाल। तो निर्माण कराने की कोशिश की गई। इसके पश्चात जब उप जिलाधिकारी महोदय ने कागजात की मांग की तो थोड़ा समय देने के लिए बाबर सफी एवं उनकी एक बहन जो कि कई इंस्टीट्यूट चलाती हैं और एक पाकिस्तानी संस्था एक या दो पाकिस्तानी संस्थाओं की सदस्य भी हैं और यहां पर एक कैंप चलाती हैं, उसके बाद बाबर सफी और उसकी बहन ने कहा कि कई दिन बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिसके पश्चात जिलाधिकारी उन्नाव ने उक्त एराजी पर निर्माण के आदेश दे दिए। क्योंकि बाबर सफी एक आपराधिक छवि रखता है, विदेश से पैसे का आवागमन करता है, एक कट्टरपंथी कई कट्टरपंथी तंजीमों का सदस्य है, इस पर ATS भी जांच कर रही है, एंटी टेरर स्क्वाड वो भी जांच कर रही है इसकी संदिग्ध गतिविधियों की। ये एक रैकेट चलाता है, खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करना, वहां पर उसके बाद संदिग्ध ट्रेनिंग कैंप लगाना, ये इसका काम है। आपने यहां पर कई ऐसे केसेस देखे होंगे बहुत से लोगों का कि ये वहां पर फर्जी दस्तावेज लगाता है और लगाने के बाद उन लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश करता है। उक्त एराजी पर एक सर्वधर्म रिसर्च सेंटर बनना है, जो कि बाबर सफी एक कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाला शख्स है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। देश विरोधी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 48 घंटे की रिमांड में ये रखा गया था। बाबर सफी है, कहाँ के रहने वाले आप? मैं मूल निवासी आसिमन का हूँ जी, मगर करीब 89 से मैं सफीपुर में रह रहा हूँ। अच्छा, तो क्या मामला है, किस लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि मेरा एक जमीन जिसको कुछ यहाँ के भू माफियों ने 2011 में अकीलुर रहमान ने मेरे परनाना मकबूल रहमान को अपना दादा बताते हुए उन्नाव में वार्ड संख्या
वार्ड संख्या 947/11 सिविल जज जुडिशरी उत्तरी महोदय उन्नाव में दायर किया कि ये और उसका नक्शी नजरा जो लगाया नक्शा नजरी 169 का उसके नक्शी नजरे में ये पूरा एरिया दिखाया गया जहाँ पर बाउंड्री वॉल की गई है। उनके नक्शी नजरे से मुझे मालूम हुआ क्योंकि नगर पंचायत में वो नहीं है, नक्शा नहीं है, इसलिए उनके नक्शे नजरे से मालूम हुआ कि 169 किला ये हमारा है और उस जिसके उन्होंने 34 में दिए मगर ये वाद न्यायालय में उन्नाव में भी चल रहा है 97/18 ये टर्मिनल में चल रहा है यहाँ से यथास्थिति का आदेश 16/4/2020 तक का है। सारे आदेश उप जिलाधिकारी को परवानी चक को दिए गए परंतु आज मोलुल्ला बकाई, हसनैन बकाई, हसान बकाई, अली बकाई और अबूजर पुत्र बसन, अकीलुर्रहमान का लड़का रूमी, अनवर इस्माइल, दादा मियाँ के चौराहे के निवासी, कानपुर के निवासी अबूजर, इन तमाम लोगों ने 500 बदमाशों के साथ पुलिस बल के सामने अवैध तरीके से नगर पंचायत के 2 हैंड पाइपों को अंदर करते हुए एक गरीब का मकान जो 20 साल से रह रहा था उसके मकान को सारे दीवार खड़े करते हुए और ये खड़ा हुआ है, ये खड़ी हुई है इस गरीब लड़की का मकान, इस गरीब लड़की का मकान इन लोगों ने कब्जा कर लिया और मैं यहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि मेरे खिलाफ ये लोग मुझे हत्या कर देने की साजिश रच रहे हैं, मुझे मेरी हत्या कर देना चाहते हैं। इसके लिए मैंने तमाम परवाज निरीक्षक को पत्र लिखे, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखे और मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को, DGP महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को आज मैंने स्वयं बजट विजय माननीय न्याय विधि मंत्री विजय पाठक जी से बात की, उन्होंने जिलाधिकारी उन्नाव को फोन पे कॉल करके कार्य करने को रोका, परवाही से कोतवाली सईपुर को तत्काल कार्य रोकने को कहा, परंतु इन्होंने उन लोगों की भी माननीय मंत्री जी के भी आदेशों की धज्जा उड़ाई और ये कार्य कराया। कार अभी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ऐसे भूमाफिया गुंडों के खिलाफ कस्बे का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका है, भय चल रहा है। सबूत है ये वक्फ टर्मिनल का आदेश है जो वो सिचुएटेड प्रॉपर्टी जो उन्हें 3 दिखाई थी, 3506 कब्रिस्तान, 159 टीला, 1200 कुछ दरगाह उस पर दर्ज है, उस पर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर उसने स्टे दिया है। अगर ये स्टे कैंसिल हुआ था तो इनको इसका लाना चाहिए था। ये स्टे 16/4/2020 उसकी नियत तिथि है उस तक के लिए वैध है। दूसरी बात, इस बाबत आपने क्या मंत्री जी से कोई बात की? इस बाबत मैंने मंत्री जी से बात की भी की, मैंने वकील ने क्या बोले, मंत्री जी ने तत्काल फोन करके इन्हें कार्य करने के रोका, परवाह निरीक्षक को भी और जिलाधिकारी उन्नाव को भी। तो आप ये मानते आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन मिला हुआ? प्रशासन पूरी तरह मिला हुआ है, क्योंकि प्रशासन मेरी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहा है जी नहीं, इसके लिए मुझको मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ रहा है। किसने कराया था? मैं FIR करने के लिए खुद गए थे। खुद क्या कहा उन्होंने? कहा कि दे दीजिए, अभी भी मैंने उनको अभी दिया है, उन्हें पढ़ के रख लिया जी। किडनी में प्रार्थना कर दे चुके जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय DGP महोदय, माननीय पुलिस, माननीय आपके जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रभारी अधीक्षक महोदय, सबको मैंने ऑनलाइन दिया है, स्पीड पोस्ट किया है, कोरियर किया है और भारी पुलिस बल तैनात करके गुंडई के साथ अभी भी तैनात है। आप लोग देख सकते हैं कि ये तैनात होकर के पुलिस बल तैनात था, कार्य चल रहा था, आपके घर वालों ने रोका तो पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, धक्के दिया। ये देखिए धक्के मार मार के सबको भगाया कि अंदर जाओ सब लोग, आप लोगों की बात सुनी नहीं गई, बंद कर दिया पूरा दरवाजा, दो चक्कर का।